सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरे सत श्री अकाल। आज हम इंडोक्राइन का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड का नाइन्थ है हमारा, क्या कहते हैं इसको, गोनैड्स। गोनैड्स ओके, या इसको हम लैंगिक जनन ग्रंथि भी बोलते हैं, जनन ग्रंथिस बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसको, इसकी पूरी डिटेल पढ़ाई जाएगी। आज केवल हम गोनैड्स ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं, एक मेल में और एक फीमेल में। मेल गोनैड्स और फीमेल गोनैड्स। ओके, ये होते कितने हैं, मेल में कितने होते हैं, एक पेयर। एक पेयर का मतलब दो, इसको हम वन पेयर लिखते हैं, एक जोड़ा। लेडीज में कितने होते हैं, ये भी वन पेयर, एक जोड़ा, मतलब के दो, दो पीस। अब ये होता कहां पे, मेल के अंदर जो हमारा लिंग होता है, लिंग के नीचे जो ग्रंथि है उसके अंदर ये होता है। ओके, अब हम इसकी बात करेंगे कि ये नीचे क्यों होता है, हमारे शरीर के बाहर क्यों होता है। इसको भी बताएंगे आपको कि क्यों होता है ये शरीर के बाहर। लेडीज में आपने देखा होगा दो ओवरी होती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, फिर ये जाके यूट्रस को मिलती है। ओके, तो ये शरीर के अंदर होता है, ये शरीर के बाहर होता है मेल में। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जब इसमें ये काम क्या करता है हमारा मेल में, जो मेल गोनैड से क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, स्पर्म बनाता है, जिसको हम हिंदी में शुक्राणु भी बोलते हैं, शुक्राणु भी बोलते हैं, और भी कई भाषा में बहुत कुछ बोला जाता है, मेन इसको शुक्राणु या फिर स्पर्म्स बोला जाता है। स्पर्म्स को बनने के लिए थोड़ी सी ठंडी जगह चाहिए, ज़्यादा गर्मी में वो नहीं बनते हैं, तो इसलिए परमात्मा ने उसको हमारे शरीर से बाहर कर दिया। अब जो मेल गोनैड्स है इसके अंदर हमारे स्पर्म्स बनते हैं। ओके, इसीलिए शरीर के बाहर है, इसको टेम्परेचर इससे हमारा कम चाहिए, ये तो बॉडी के अंदर ही बना सकता, उसको बाहर बनाने की क्या जरूरत थी। हर चीज को बहुत ही सोच विचार के बहुत ही शानदार तरीके से उसने बताया है। आपने देखा होगा क्या क्या हमारे जो
ग्लैंड कैसे कैसे काम करते हैं, वो कैसे एक दूसरे को ऑर्डर देते हैं, कैसे मास्टर और मास्टर ग्लैंड दूसरे को ऑर्डर देता है, उसे सबसे काम भी करवाता है, रेगुलर करवाता है। अब जो लेडीज के है, लेडीज के अंदर ओवरी के अंदर, वहां भी हमारे एग बनते हैं। वहां क्या बनते हैं? हमारे एग बनते हैं। ओके, अब इनका जो है, जो हार्मोन जो बनाता है मेल गैमेट, इसका काम क्या है? एक तो ये क्या करता है हमारा, इसने हमारे स्पर्म बना दिए, कितनी क्वांटिटी बनानी है, कितनी दिन बनानी, और उसके साथ ही ये मेल नेस को इंक्रीज करता है, मेल नेस। मेल नेस आप कह लो मर्दाना ताकत, या फिर इसको आप जो हमारे अंदर चेंजेस आती हैं मेल के लिए, सारी वो यही करता है। आपने कईयों में देखा होगा, कई लड़कों में कुछ आदतें जो हैं वो लड़कियों जैसी होती हैं, उनके अंदर फीमेल मैनेज भी होता है, वो भी थोड़ा काम करता है, तो या उनकी आदत लड़कियों जैसी होती है, तो आप उनको क्या बोलते हो आप सबको मालूम ही है। तो उनका आपस में कई बार आपने देखा होगा, कई लड़के लड़के आपस में प्यार करते हैं, कई लड़कियां लड़कियां आपस में प्यार करती हैं, असल में उनकी कोई गलती नहीं है, उनको जो नेचर ने दिया है उसके अंदर, लड़के के अंदर फीमेल गैमेट होते हैं, उनको अट्रैक्शन वही करते हैं। तो अब इस पर हम नहीं जाएंगे, दोबारा से पढ़ाएंगे आपको। ये जो है हमारा अपना फीमेल गैमेट्स ओवरी के अंदर जो है एग बनाता है, एग को हम क्या बोलते हैं? ओवा। ओवरी से ओवा हो गया, जो एग ये बनाता है ये ओवा बनते हैं, ये अंडाणु या इसको कहते हैं अंडाणु, इसका निर्माण करता है। और साथ में ये जो ओवरी है ये क्या क्या हार्मोन बनाती है, कितने हार्मोन बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मेल का तो हो गया, स्पर्म बनाता है और ये मेलनेस को इंक्रीज करता है हमारा। ओके, ये जो हमारी ओवरी है ये हमारी क्या बनाती है? ओवा। अंडे बनाती है, वो छोटे छोटे अंडाणु होते हैं वो बनाती है ये। अब ये जो है हमारे गैमेट्स या इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। ये क्या करता है? ये दो हार्मोन बनाता है, ये दो प्रकार के हार्मोन बनाता है, एक तो हार्मोन जो है हमारे एग बनाता है, दूसरा हार्मोन जो है वो तभी काम करता है जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंसी के टाइम। ये तो एक तो हस में बनते रहेंगे, जैसे बच्चा जवान वाय बनने शुरू हो जाते हैं, मगर ये जो है ये हार्मोन दूसरा जो बनता है, हमारा जो ओवरी है हमारी,
तो ये केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही बनते हैं। क्यों उस समय बनते हैं? उसने दूध उसके अंदर माता के अंदर बनना है, लड़की के अंदर बनना है, तो दूध बनाने में भी ये बहुत सहायता करते हैं। ये केवल तभी बनते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम वैसे नहीं बनते। और उसकी जो दर्द है उसको भी ये कम करता है ये हार्मोन। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड नो के नो। अब इसके बाद हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे हमारे शरीर के अंदर बच्चे बनते हैं, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद हमने बहुत अभी कुछ पढ़ना है, हमारे ब्लड के बारे में हमने पढ़ा अभी, ब्लड के अंदर ब्लड कितनी किस्म का होता है उसकी भी डिटेल पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि ब्लड कितने प्रकार का होता है उसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया, उसके अंदर अब हमारे पास दो तीन चीज़ें हो जानी हैं। रिप्रोडक्टिव हो गया, ब्लड हो गया, विटामिन रह गए हमारे, विटामिन के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो भी और भी रह गया होगा मेरे को मैसेज करना कौन सा रह गया है, हम उसके बारे में आगे बात करते जाएंगे। अब तब तक नमस्कार, हैव ए नाइस डे।